क्रिटिकल के क्वेश्चन को अप्रोच करने का हैंडल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है और ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेस कुछ ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके सारे प्रॉब्लम्स का पहले हम पैसेज को समझेंगे देखेंगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किस तरीके से हमें अपने आंसर तक पहुंचना है हम साथ में मिलकर देखेंगे कि के को अप्रोच करने का हैंडल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है साथ में सॉल्व करेंगे तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हैं और ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज कुछ ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन आपके सारे प्रॉब्लम्स का आई एम श्योर कि आपको हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी से बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि यहां पर हम शेयर करते हैं फ्री रिसोर्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डेली प्रैक्टिस में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स नाउ इफ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एस्पिरेंट आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी सर्चिंग फॉर अ फॉर सम वन स्टॉप सोल्यूशन जहां पर आपको गाइडेंस मिले मेंटोरशिप मिले स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी मिले कि एंट्रेंस को कैसे क्रैक करना है यू कैन जॉइन आवर पेड बैच यू कैन यूज द कोड एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट आउट ऑफ इट जैसा कि मैंने बताया आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन साथ में मिलकर इसीलिए आई एम गोइंग टू शो यू अ ये पिक करा गया है प्रीवियस क्वेश्चन से सो दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्रिटिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं पॉज दिसर पैसेज एंड देन वील ट्राई टू आंसर दिस टुगेदर Right, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किस तरीके से हमें अपने आंसर तक पहुंचना है स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैसेज फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे को क्या बोला गया है लेट्स ट्राई एंड रीड दिस टूगेदर एंड वील ऑल्सो मार्क वट एवर इंफॉर्मेशन वी थिंक इज इम्पोर्टेंट फॉर एस फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन सबसे पहले है अंडर कोविड नाइनटीन आउटब्रेक यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल द वर्ल्ड है रैपिड स्पीड ऑफ वायरस अमंग स्टूडेंट एंड स्टाफ द सडन डिस्ट्रप्शन ऑफ फेस टू फेस एजुकेशन रीशेप्ड पेडोगॉजिकल प्रैक्टिस एंड लेड टू रैपिड अडोप्शन ऑफ ऑनलाइन टीचिंग अमंग यूनिवर्सिटीज वो बोल रहे हैं कोविड नाइनटीन के दौरान क्या हुआ था यूनिवर्सिटीज और स्कूल जितने भी है अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने अपनी क्लासेस को फेस टू फेस क्लासेस को सस्पेंड कर दिया था मतलब बंद कर दिया था और क्या कर लिया था उन्होंने उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग को अपनाना शुरू कर दिया था टू टू प्रिवेंट द रैपिड वाइड स्प्रेड ताकि वायरस और ज्यादा ना फैले जैसा कि आपको याद होगा इंडस्ट्री को एक बहुत ही बूम मिला। क्युं मिला? हमारे नीड बन गया था नीड ऑफ दू गो टू तो एन ऑनलाइन मोड सो दैट हम पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर पाए एजुकेशन में कोई रुकावट को ना आए और एजुकेशन में रुकावट ना आने के लिए हमने क्या यूज किया एक ऑनलाइन मोड यूज करा टीचिंग का और फेस टू फेस क्लासेस को बंद कर दिया गया इससे क्या हुआ हमारा जो पूरा डिसरप्शन था वो हो गया फेस टू फेस एजुकेशन का और हमारी पेडागोजिकल प्रैक्टिस रीशेप हो गई पेडागोजिकल प्रैक्टिस होती है टीचिंग मेथड तो इट्स इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट वी यूज इन टीचिंग उसको बोलते हैं पेडागोजिकल प्रैक्टिस लेट टू रैपिड अडोप्शन ऑफ ऑनलाइन अमंग टीचर्स नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते है ये तो हो गया इंट्रोडक्शन की कोविड नाइनटीन आया और फेस टू फेस सस्पेंड हो गया एंड we सी क्या बोल रहे हो आगे आर्ग्यूमेंट में Subsequently, academics working at universities at the front line of those changed faced enormous levels of pressure. And subsequently, academics working at universities at the front line for those challenges faced enormous levels of pressure and disturbance to their professional role and.

In normal circumstances, designing online course follows a systematical instructional design, instructional design process with careful consideration of unique characteristics of target learners, and choose an instructional medium. During rapid adoption of online teaching in response to COVID nineteen, however. सिस्टमेटिकल इंस्ट्रक्शन डिजाइन प्रोसीजर्स एंड टीम बेस्ट सपोर्ट फॉर कोर्स डिवेलपमेंट एंड प्रिपरेशन व अन अवेलेबल उन्होंने बोला कि कोविड नाइनटीन के दौरान हमने रैपिडली बहुत ही जल्दी से ऑनलाइन मोड को अपना तो लिया लेकिन उससे हुआ क्या उससे हुआ ये कि हमारी जो प्रैक्टिस थी उसने सफर किया उन लोगों ने सफर करा जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में पढ़ा तो रहे थे लेकिन अब उन्हें अडॉप्ट करना पड़ा ऑनलाइन टीचिंग मोड और उनके पास क्या नहीं थे रिसोर्सेस नहीं थे तो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया क्योंकि वो सब अन अवेलेबल था ये सब कुछ अन अवेलेबल था देन मूविंग ऑन इन वर इंडिविजुअल द चैलेंज टू टीच ऑनलाइन विद लिमिटेड लेवल ऑफ सपोर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम द स्कूल एंड द यूनिवर्सिटीज टास्क वॉज इवन मोर डिफिकल्ट इन दिसन इफ दे व रिमोटली वर्किंग और ये ज्यादा चैलेंजिंग कब हो गया जब उनको बोला कि आप अपने ही घर से ऑनलाइन पढ़ाओ तो ऑफकोर्स ये चैलेंजिंग था कि उनको इंडिविजुअल्स को बोल दिया गया टीचर्स को लेक्चरर्स को कि अब आप मा मामा आज से क्या कर रहे हैं अब आज से हम ऑनलाइन पढ़ाने वाले बच्चों को तो ये जो मेथडोलॉजी थी ये पूरी कंप्लीटली चेंज हो गई ओवर नाइट राइट ऐसा हुआ भी था ये तो बहुत ही रियलिस्टिक सा टॉपिक है सो आई एम श्योर की आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है और उसने अपना पैसेज यहां पर एंड कर दिया कि ये टास्क पर्टिकुलरली उनके लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग था जो रिमोटली काम कर रहे थे मतलब अपने घर से काम कर रहे थे ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन दैसेज इज क्या उसका ऑब्जेक्टिव था किस बारे में बात हो रही है हमारे पैसेज में ए To examine the experiences faced by teachers because of sudden transition from online.

टू अंडरस्टैंड द नीड नो हमारे को इन तीनों के बारे में कहीं पर भी बात नहीं की गई है सिर्फ ए ऑप्शन है जो सूटेबल दिख रहा है जिसमें हमारे को साफ साफ पता चल रहा है कि पूरे पैसेज में स्टार्टिंग टू एंड वो यही बात कर रहा है कि कैसे कोविड नाइन्टीन के आने से हमारी जितने भी टीचर्स थे उनको सडनली ओवर नाइट ऑफलाइन से ऑनलाइन जाना पड़ा अपने टीचिंग मोड में करेक्ट तो हमारा ऑप्शन होगा ए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू सेकेंड्स क्विकली रीड इट एंड एंडल आंसर इट टूगेदर राइट लेट्स सी हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वो बोल है based on the ideas presented in the passage it will not be possible to draw useful recommendations for situations like pandemic unless वो बोल रहे है हमारे को जो आइडियाज दिया गए है पैराग्राफ में उनके बेसिस पर ये पॉसिबल नहीं होगा रिकमेंडेशंस को ढूंढना या रेकमेंड करना इट विल नॉट बी पॉसिबल टू ड्रॉ यूजफुल रिकमेंडेशंस यहाँ से ड्रॉ करना फॉर सिचुएशंस लाइक पेंडेमिक अनलेस अनलेस उसने अनलेस पे छोड़ा ये क्वेश्चन राइट right? तो वो हमार को कंडीशन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी कंडीशन फुलफिल हो जाने पर हम रिकमेंडेशन दे पाएंगे कि COVID pandemic जैसी चैलेंजिंग सिचुएशन से कैसे लड़े ए द फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू क्वालिफाइड एजुकेशन इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स आर एग्जामिन जब तक जो भी फैक्टर्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं किसमें जो एजुकेशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में उनको हम एग्जामिन नहीं कर लेते तो लेट्स कीप इट एज ऑप्शन लेट्स एंड रीड अदर वेल क्योंकि मुझे नहीं लगता दिस ऑप्शन फिट्स इन क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपको वो बोल रहा है कि जो आइडियाज हमारे पैराग्राफ में दिए गए हैं ऑलरेडी उनके बेसिस पर हमारे को रिकमेंडेशन निकालना पॉसिबल नहीं होगा अनलेस जब तक नॉलेज अबाउट दी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड क्रुशल नो ये भी नहीं है एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस फॉर फैकल्टी इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एजुकेशन एजुकेशन आर टेकन इन टू अकाउंट जब तक हमारे पास एडिक्वेट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस नहीं होगा यू रिमेंबर यहां पर क्या बात हुई थी कि उन्होंने अडॉप्ट तो कर लिया लेकिन सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्रोसीजर्स टीम बेस्ड सपोर्ट कोर्स डेवलपमेंट प्रेपरेशन सब क्या था अनअवेलेबल था अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कमेंट नो सो so, हमारा ऑप्शन क्या होगा सी लेट्स रीड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन वील ट्राई एन आंसर ऑलराइट वो पूछ रहा है व्हाट कैन बी इजीली और कन्वीनियंटली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज मतलब ऐसा कौन सा सेंटेंस है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको पढ़कर आप बहुत ही आसानी से बोल सकते हो कि हाँ ये हम कंक्लूड कर सकते हैं अपने पैसेज के बेसिस पर टीचिंग एक्टिविटी इज अवनली कॉम्प्लेक्स टास्क दैट इन्वॉल्व मल्टीपल एलिमेंट ऑफ इंटेलिंग एक्टिविटी सिस्टम क्या वो ये बोल रहा है कि चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन यूनिवर्सिटी टीचिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है नहीं बोल रहा उसने यहाँ पर कहां पर बोला कि हमारा जो फेस टू फेस है और जो ऑनलाइन है वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स होता है यूनिवर्सिटी में नहीं वो तो इंटायरली कोविड के बारे में बात कर रहा है कि कोविड के आने से क्या हुआ तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है नेक्स्ट सी लेट सी द सेकंड ऑप्शन इट हैज बिन मोर चैलेंजिंग फॉर बोथ

फ्रंट लाइन में जो काम कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट टीचर्स है इंडिविजुअली काम कर रहे हैं रिमोटली काम कर रहे हैं उनको क्या फेस करना पड़ा था चैलेंज सो दिस कैन बी ऑर आंसर द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एक्टिविटी नो इस बारे में भी बात नहीं करी गई है कॉन्ट्रेडिक्शन के बारे में बात नहीं करी गई है ऑल ऑफ दी अबव डेफिनेटली नहीं हो सकता क्योंकि ये आंसर नहीं है ये आंसर नहीं है इसीलिए हमारा आंसर क्या हुआ बी ऑप्शन करेक्ट अगेन दिस इज द वे टू सॉल्व अ पैसेज इन क्रिटिकल रीजनिंग आपको पहले क्रिटिकल रीजनिंग में पैसेज को अच्छे से रीड करना है उसका आइडिया समझना है फिर जाना है क्वेस्स पे क्वेश्चन को समझना है कि वो एग्जैक्टली exactly आपसे पूछ क्या रहा है बेसिस ऑफ योर अनालिसिस अपने लॉजिकल रीजनिंग्स को अप्लाई करना है एंड देन छोटे छोटे पार्ट में जो आपने समझा पैसेज में वहां पर जाकर अपने आंसर को ढूंढना है All of this is वेरी मच पॉसिबल एंडल नो दैट वी हैव लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज लेकिन यही सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट कीप फॉलोइंग दीज सीज वी हैव स्टार्टेड एवरी सिंगल डे यूल सी अस एट फाइव पी एम ऑन आवर चैनल एंड अगेन एट नाइन पी एम पाँच बजे हम क्रिटिकल रीजनिंग करते हैं नौ बजे हम इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं हमारी लैंग्वेज मैराथन अभी फिलहाल चल रही है डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है ऑल और अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन है फील फ्री टू तो रीच आउट टू मी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर एज क्विकली एज आई कैन माई नेम इजैसमीन एंड की एंड टी बी मीट अगेन बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल द बेस्ट आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय